संबंध, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध, पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, पाकिस्तान के साथ खेल संबंध, पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध, पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध, पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद आतंकवाद, पाकिस्तान 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 आतंकवाद आतंकवाद, पाकिस्तान 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 आतंकवाद 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 आतंकवाद, पाकिस्तान के साथ खेल संबंध, आतंकवाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध, पाकिस्तान 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 खेल संबंध, पाकिस्तान के साथ खेल संबंध, पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध, पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध, पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध, पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध, पाकिस्तान पाकिस्तान शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने आज यहाँ पाकिस्तान का हमने पुतला फूका है, आतंकवाद का पुतला फूका है। देखिए पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जारी है, इस दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से पाकिस्तान जो है अपनी नापाक और कायराना हरकतों को जो है लगातार जारी रखा है। पिछले एक महीने के अंदर दो बार जो है सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। हाल ही के अंदर 11 जुलाई को भी जो है पाकिस्तान की तरफ से रजौरी सेक्टर के अंदर एक बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको हमारे जवानों की जो है मुस्तैदी से उसको जो है पूरी तरह से विफल बना दिया गया। पिछले 18 महीनों की बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर भी लगभग 30 दर्जन जो है आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके अंदर 2021 के बाद आज तक देखे तो 3-4 दर्जन के लगभग हमारे जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पिछले एक महीने में जम्मू संभाग में 6 से 8 बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 10 मासूम और निहत्ते लोगों को जो है आतंकवादी अपनी गोलियों का शिकार बनाते हैं और 6 से ज्यादा हमारे सुरक्षा कर्मियों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है। आज हमारी केंद्र के अंदर गठित एनडीए सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि पाकिस्तान के साथ तमाम संबंधों पर पूर्ण विराम लगाया जाना चाहिए। खेल को लेकर संबंध, व्यापारिक संबंध, कूटनैतिक, राजनैतिक और तमाम समझौतों को, जिसके अंदर सिंधु जल समझौता भी शामिल है, उन तमाम समझौतों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी दो टूक जो है पाकिस्तान के को जवाब दे कि जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक और कायराना हरकतों से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध हिंदुस्तान की तरफ से नहीं रखे जाएंगे।